अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सो श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है अखंड इस्लामिक मुल्क बना रहे थे जमाई, टीवी डिबेट में दौड़ा दौड़ा कर कूटा। सो जल्दी से चलते हैं कि किसको कूटा, क्या हुआ। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। ये तस्वीरें टीवी डिबेट की हैं। टीवी डिबेट में आपने इससे पहले सिर्फ गर्मा गर्म बहस देखी होगी, मेहमानों के बीच तू तू मैं देखी होगी, लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ गई है। टीवी डिबेट में ऐसी कुटाई इससे पहले नहीं देखी होगी। तस्वीरें एक निजी टीवी चैनल के स्टूडियो की है। स्टूडियो के अंदर बहस चल रही थी वैसे ही जैसे रोज होती है। सवाल जवाबों का दौर जारी था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि बवाल हो गया। मेहमानों ने माइक और मर्यादा दोनों छोड़ दी। तू तू मैं गाली गलौज में बदल गई। ऐसी ऐसी गालियां दी गई कि सुनकर आपके कानों से खून निकल आए। क्रॉस की तरह सवाल करते हो मेरे बेटे को, तू लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बहस के लिए टीवी स्टूडियो में पहुंचे मेहमान मर्यादा छोड़कर कुश्ती करने पर उतारू हो गए। तो मामला यह है कि बहस 72 हुरों पर थी। 72 हुरे जिनके बारे में इस्लामी स्कॉलर वक्त वक्त पर बताते रहते हैं। कहते हैं कि जन्नत में हुरे होती हैं। जो जिहाद कर वहां पहुंचता है उन्हें ये हुरे सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसी पर यह फिल्म बनी है। बहस इसी पर थी, सवाल इसी पर था, लेकिन बवाल किसी और बात पर हो गया। बवाल की जड़ बना अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। वीडियो में पहलवानों की भूमिका में है मुस्लिम स्कॉलर शोएब जमाई और सुगुई खान। टीवी डिबेट में शोएब को अक्सर आपने मुस्लिम एक्सपर्ट के तौर पर देखा होगा। इनकी खासियत यह है कि डिबेट में गाली देने से भी ये नहीं कतराते, खुलकर गालियां देते हैं। इससे इनके चरित्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये कितने कट्टर है और इनके मंसूबे भारत को लेकर क्या है, इनकी इस टीवी डिबेट से आप समझ सकते हैं। खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देगा, तुम्हारे बाप का देश। ये वीडियो शोएब की टीवी स्टूडियो में कुटाई से थोड़े ही देर पहले का है। ये बात उन्होंने दूसरी जगह टीवी डिबेट में बोली थी, लेकिन यहाँ उन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने मुस्लिम महिला पैनलिस्ट सुबुई खान को लेकर निजी और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिस पर सुबुई भड़क गई और सुबुई ने शोएब जमाई को स्टूडियो में ही दौड़ा दिया। शोएब को बचाने के लिए न सिर्फ एंकर को बीच में कूदना पड़ा बल्कि कई दूसरे लोगों को भी आना पड़ा। तेरे को भी मारूंगी, घुस के तेरे घर में, निकल यहां से।
दरअसल सुबीर खान मुस्लिम हैं और उन्होंने हिंदू युवक से शादी की है। वे इस्लाम को भी मानती हैं और हिंदू रीति रिवाज से भगवान की पूजा भी करती है। वो दिवाली भी मनाती है और ईद भी मनाती है। यही बात कट्टरपंथियों को नागवार गुजरती है और वे सुबुई पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सुबुई भी ऐसे लोगों को जमकर लताड़ लगाती है। इस बहस में शोएब ने इसी को मुद्दा बनाकर सुबुई पर निजी कमेंट किए और उनके बेटे को लेकर कुछ आपत्तिजनक बात कर दी। इसी से खफा सुबुई ने अपना आपा खो दिया और शोएब की कुटाई कर दी। अगर शोएब को एंकर नहीं पकड़ते तो वही रखी कुर्सी से सुबुई शोएब को शायद कूट देती। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। जो है वो अपना आप कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर जिस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपको कहां कहां से लोग देख रहे हैं और इवन तो आपको कैमरा की आंख जो है वो रिकॉर्ड कर रही है, तो ऐसी जगहों पर आप ऐसे करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरह के टॉपिक्स को जो है वो हाईलाइट करने की जरूरत ही क्या है। मतलब कि ये 72 हुरे और ये जो है वो मजहब और धर्म से रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कशन करने का मतलब मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको पॉलिटिक्स तक ही रखा जाए वो बेहतर है। मजहब धर्म ये सब चीजें ठीक है, उसमें अच्छी चीजें भी होंगी, बुरी भी हैं, जो भी हैं, वो जो फॉलो कर रहा है वो उसके लिए है। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि अब कोई लोग कृष्ण जी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि उनके करेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनकी मैरिज के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। वहीं पर ही अगर हम देखें तो मुस्लिम्स में जो है वो 72 हुरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। आई नो कि ये 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट काफी ऐसा लगता है कि लोग इसके ऊपर जो दूसरे नॉन मुस्लिम है वो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि भाई 72 हुरों वाला क्या कॉन्सेप्ट है। तो खैर ठीक है, हर किसी का एक माइंड है, ठीक है, वो जैसे भी है, हम कोई नहीं होते कि किसी के ऊपर पॉइंट आउट कर सकें। ठीक है, अब देखो ये दो मुस्लिम्स हैं आपस में ही लड़ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस तरह के टॉपिक में आपको बहस करने की जरूरत ही क्या है? 72 हुरे जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है उस वर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते, भले आप वहां से आए या वहां से आए या वहां से आए। ठीक है, तो इन शॉर्ट यही है कि ठीक है, ऐसी चीजों के ऊपर बहस करने से बेहतर है कि आपकी बहस करने से कुछ नहीं होने वाला चेंज, आपके बहस करने से कुछ भी लोगों का माइंड चेंज नहीं होने वाला। तो बेहतर यह है कि अपनी लाइफ के ऊपर बंदा फोकस करे, पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करे और जो अब क्या चीज बेहतर हो सकती है कंट्री के लिए इस चीज पे फोकस करे वो ज्यादा बेहतर है और इसी से ही आगे कंट्री भी जा सकती है और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अदरवाइज तो आप इस तरह से करेंगे तो ये तो लड़ाइयां होंगी ही। बाकी मुझे तो लगता है कि इस तरह के टॉपिक पे बहस करना ही फजूल है, क्योंकि इस तरह के टॉपिक पे बहस करने से सिर्फ आपस में लड़ाइयां ही होंगी और कुछ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर चेंज तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बेहतर ये है कि मैं तो कहती हूँ मजहब और धर्म के ऊपर बात करना ही फजूल है। तो अब बहुत सारे लोग हैं हर किसी के ऊपर, एक दूसरे के चीजों के ऊपर जो है ना वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि सही है। बाकी जो इनकी कुटाई हुई है वो मुझे नहीं पता कि वो क्यों हुई है, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, पूरा शो देखेंगे तभी हमें समझ आएगी, तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो शो में हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मतलब इतना अगर आपको सीनियर समझ के शो पर लेकर आया जा रहा है तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें। अगर इस तरह से शो पर आकर इस तरह की हरकतें करेंगे तो इससे आपके देखने वालों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो यही कहेंगे कि भाई ये दिमाग से ही सटके हुए हैं। तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। अपना एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, लोगों को फील कराएं कि यस पॉजिटिविटी है, तो उससे अच्छा लगता है ना लोगों के बीच में रहना और उनसे गुफ्तगू करना और उनको अच्छे मैसेज देना ताकि उनकी लाइफ चेंज हो। स्ट्रेस इतना ज्यादा है लोगों की जिंदगी में और फिर इस तरह की चीज को लेकर आना और ये शो में भी इस तरह की चीजें देखें, तो उससे जो है ना इंसान का जो है वो लोग वैसे इतनी लाइफ आजकल की लोगों की इतनी स्ट्रेसफुल है, आप इस तरह के टॉपिक्स को रखेंगे, रेज करेंगे और फिर उसी से लाइफ जो है ना आपकी और ज्यादा, देखने वाले और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो बेहतर यह है कि अच्छी और पॉजिटिव चीज लेके आए।
बाकी मार कुटाई शो में होना इज नॉट गुड, और इस तरह से तो रिस्पेक्ट भी नहीं रहती है किसी की भी। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर गाइस? आई डोंट नो कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, बट मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही कहा, और वही कहना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके माइंड में होता है, और आपको अपने रिव्यूज देने चाहिए। आप भी कमेंट में दे सकते हैं, अगर बुरी लगा हो तो कुछ आप बुरा कोई माइंड नहीं करूँगी, आप उसके उसको राइट करके भी आप बोल सकते हो, अपना रिव्यू दे सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करो ताकि सारे वीडियोज आपको मिलते हैं।